एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच विवाद का मामला अब किसी से छुपा नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों पर यह मामला सुर्खियों में आ चुका है। वहीं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच विवाद का तीसरा कोण जिला कमांडेंट मनीष दुबे बन चुके हैं, क्योंकि ज्योति मौर्य के पति ने इनसे ही अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति के अफेयर के आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर अब होमगार्ड विभाग के जिला कमांडेंट मनीष दुबे भी इस मामले को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मीडिया ने इस मामले पर जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जबरदस्ती न करें। यहां तक कि मनीष दुबे की पत्नी ने भी जांच में बयान देने से मना कर दिया। मनीष दुबे की पत्नी का कहना है कि यह उनके और उनके पति और परिवार के बीच का मामला है, जिसे वो खुद सुलझा लेंगी। लेकिन इस बीच अब मनीष दुबे की शादी के कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसे देखकर सभी हैरान हैं। तस्वीरों और दस्तावेजों के अनुसार 2 साल पहले मनीष दुबे ने तनु पराशर नामक युवती से शादी की थी। लखनऊ के आर्य समाज मंदिर में 5 अगस्त 2021 को मनीष दुबे और तनु पराशर का प्रेम विवाह हुआ था। इस शादी का मैरिज सर्टिफिकेट और शादी की फोटो जमकर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मनीष दुबे और उनकी पत्नी बेहद खुश हैं। यहां तक कि शादी में आए मनीष दुबे के दोस्त भी बेहद जोश में नजर आ रहे हैं। वहीं मनीष दुबे की शादी की तस्वीरें देखकर लोगों ने अपने रिएक्शन देने भी शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग जहां मनीष दुबे को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये तक कह रहे हैं कि मनीष दुबे की पत्नी की शादी आलोक मौर्य से करवा देनी चाहिए। बता दें कि इस मामले में मनीष दुबे की पत्नी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन नोटिस मिलने पर भी मनीष दुबे की पत्नी बयान दर्ज कराने नहीं गई। बयान देने से मना करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस मामले पर कुछ नहीं बोलना है, वो और उनका परिवार मामले को खुद ही सुलझा लेंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।